ओम नमो शिवाय। आपका अपने चैनल सांझी वेरा में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है। यह महीना बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र होता है। इस महीने को विष्णु जी का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्तिभाव से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और इस महीने में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं। इसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। उसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदश, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उठावनी, एकादशी आदि पर्व मनाए जाते हैं। इसी महीने में शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। इस महीने में किया गया कार्य 100 गुना फल देता है, इसलिए इसको मोक्ष का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ हैं, स्थान है, उनका सबका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं इस महीने में क्या करें। इस महीने में आपको नियम संयम से रहना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। और नंबर एक, दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। दीपदान आप नदी, पोखर, तालाब आदि में कर सकते हैं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर दो, तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने से तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो तुलसी और शालिग्राम की पूजा का तो पूजन का महत्व तो हर समय बहुत है, पर कार्तिक महीने में इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। जमीन में सोने से भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। भूमि पर सोने से सात्विकता का भाव आ जाता है तथा अन्य प्रकार के विकार समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ एक दिन लगाएं तेल। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक के महीने में दीप दलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। और कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक बताया है। इसका पालन करने से पति पत्नी को सुख मिलता है और यदि इसका पालन नहीं करते हैं तो पति पत्नी को दोष लगता है। और इस महीने किया गया दान 100 गुना होकर आपको मिलता है। और आपको अपनी बाड़ी पर भी संयम रखना चाहिए। किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, केवल अपना मन भगवान की भक्ति में लगाएं। ऐसा करने से विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपको हर प्रकार का धन धान देती हैं। ओम नमो शिवाय।